सिटी का बड़ा महत्व है। रात में चौकीदार सीटी बजाकर कहता है जागते रहो, तो वहीं अगर कोई लड़का सीटी बजा दे तो छेड़खानी का आरोप लगाकर लोग वहीं उसको बजाने लगेंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां सीटी बजाकर लोग एक दूसरे को बुलाते हैं। इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल पूर्वोत्तर की हसीन वादियों से घिरे राज्य मेघालय में एक छोटा सा गाँव है कांगथांग, जहाँ लोगों को बुलाने के लिए सीटियों का इस्तेमाल किया जाता है। राजधानी शिलांग से करीब 54 किलोमीटर दूर खासी जिले में बसे इस गांव में खासी जनजाति के लोग रहते हैं, जो अपने बच्चों के दो नाम रखते हैं। एक नाम तो हमारी आपकी तरह होता है, लेकिन दूसरा नाम विसल ट्यून होता है। बच्चों को बुलाने के लिए महिलाएं इसी विसल ट्यून का इस्तेमाल करती हैं। माँ की सीटी सुनते ही बच्चे भी दौड़े चले आते हैं। वो अपनी माँ की बजाई सीटी को अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीटी की आवाज तो करीब करीब एक सी ही होती है, तो फिर ये बच्चे अपनी माँ की सीटी कैसे पहचानते हैं? इस सवाल का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल परिवार में बच्चे का जब जन्म होता है तो विसल ट्यून नेम यानी सीटी वाला नाम उसी समय उसे दे दिया जाता है। ये विसल ट्यून नेम उसको उसकी माँ देती है, जिसकी धुन को वो धीरे धीरे पहचानने लगता है। प्रकृति के करीब रहने वाले इस गांव के लोगों की सीटी की आवाज चिड़िया की आवाज की तरह लगती है। जब महिलाएं सीटी की आवाज निकालती हैं, तो पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से उनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। कांगथांग गांव में फिलहाल करीब 109 परिवार के 630 लोग रहते हैं, जिनके बीच ये विसल लैंग्वेज यानी सीटी बजाना बेहद लोकप्रिय है। ये समुदाय की खास भाषा मानी जाती है।